नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नज़र हर एक शेयर में। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। आज मैं वीडियो लाई हूँ IPO पे। तो मैं आपके बात करूँ कि ये महीना जो मार्च का महीना आज से स्टार्ट हो गया है, आज 1 मार्च है, तो आज से लेके 31 तारीख तक मतलब पूरा महीना जो है IPO वाला है। मतलब इस महीने IPO काफ़ी सारे IPO आने वाले हों, जो इम्पोर्टेंट IPO जिनकी मैं बात कर रही हूँ, लगभग 15 IPO आने वाले हैं, जो हमारे लिए उनमें से कई IPO बहुत ही खास होने वाले हैं। वैसे तो IPO आने का कोई ऐसा पर्टिकुलर सीजन्स नहीं होता, पर ज़्यादातर देखा जाए तो मार्केट में IPO जब आता है, जब मार्केट में हमको ज़्यादातर तेज़ी देखने के लिए मिलती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में आगे चल के या तेज़ी देखने के लिए मिलेगी तभी IPO आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मैं बता दूं, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मार्केट नहीं मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है, बट कहीं ना कहीं IPO का आ रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंट IPO की बात करूं तो कुछ IPO को हम ले लेते हैं, देख लेते हैं कि किन IPO के लिए हमारा आगे के लिए अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट, किन में हम करेंगे, कंपनियों पे बात करेंगे, जिन IPO की जो कंपनियां IPO लेके आ रही हैं उन पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो इस वीडियो से स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जल्दी ही मिल सकें। इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा पहला IPO है जिसकी मैं बात कर रही थी, बारबेक्यू नेशन। इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो 1200 करोड़ के आसपास का इसका रहने वाला है IPO हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब 1200 करोड़ के आसपास का IPO है, देन हम कंपनी कितना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं, इस कंपनी में वर्क हुए 15 से 20 साल हो गए हैं, ये कंपनी में वर्क हो रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी न्यूज़ है इसके अंदर। इनके आउटलेट्स की बात कर लें तो 100 अराउंड समथिंग हमको इनके आउटलेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया एक कह सकते हैं IPO के लिए एक होना चाहिए, मतलब एक हिंट है कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी इसके बारे में। बात करूं इस कंपनी का तो इस कंपनी का नेसेंस अगर इंडिया की बात करूं तो 138 आउटलेट की समथिंग हम देख पा रहे हैं। देन अगर बात करूँ नेशनल, इंटरनेशनल, UAE, ओमान और मलेशिया, सभी जगह इसका कंपनी का एक वर्चस्व है कहना चाहिए, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। और अगर इसका मैं वो बात करूं कंपनी का डिटेल का सारी चीज़ें, तो वो सब भी हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बाकी सारी चीज़ें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं खुद भी गूगल करके, क्योंकि आपको भी समझना है। अगर मैं बारबेक्यू की बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टाइम से इसका काम भी चल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो 14 से 15 साल से ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं। तो मार्च महीने में ये IPO आने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसका तो आपको एक 1200 करोड़ के आसपास इसका आपको साइज़ देखने के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये IPO हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट IPO की बात करते हैं तो वो है, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट IPO मेरा रहेगा कल्याण ज्वेलर्स का IPO। ये इसका भी मार्केट कैप में अगर मैं बात करूँ तो 1500 करोड़ के आसपास का ये IPO लेके आने वाला है, और मार्च में अभी डेट कंफर्म नहीं है, बट मार्च में ये डेफिनेटली आ सकता है। तो आप इस पर भी अपना एक फोकस डेफिनेटली कहीं ना कहीं रख सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का IPO थोड़ा सा हटके रह सकता है हमारे लिए, तो इसके लिए भी हम तैयार रहना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट IPO की बात करूं तो वो नेक्स्ट IPO की अगर बात करूं तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक कंपनी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा हो, बट मैंने इसलिए आपको स्पेलिंग बोल के बता दी। 800 करोड़ के आसपास आने वाली है ये कंपनी, इसमें भी काफ़ी अच्छा वर्क है, और मैं पहले से इसलिए सब IPO के बारे में बता रही हूँ ताकि आप इसकी सारी डिटेल पढ़ सकें, अच्छे से रीड कर सकें। तो ये एक मेजर फैक्टर हमारे लिए हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर हम कंपनी की सारी डिटेल जान लेते हैं तो। नेक्स्ट IPO की अगर मैं बात करूँ,
जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट IPO है मेरा सूर्योदय। तो आप देख पा रहे होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि वर्क कर रहा है, वैसे ही ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर से ही लिया हुआ है। तो बैंक सेक्टर में हमारा इस चीज़ पे एक फोकस ज़रूर बनना चाहिए, इस पे आपकी कहीं ना कहीं नज़र रहनी चाहिए, बिकॉज़ ये भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं वर्क करने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो 1500 के आसपास ये IPO लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे भी एक अपनी नज़र जमाए रखनी है। अगर हम नेक्स्ट IPO की बात करें तो वो है, नेक्स्ट IPO की अगर मैं बात करूं तो ये 1000 करोड़ के आसपास का IPO आने वाला है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमको अप्पेजी सुरेंद्रम होटल से रिलेटेड एक कंपनी है, यहाँ पे 42,000 वर्कर्स वर्क करते हैं। डेफिनेटली कंपनी काफ़ी टाइम से स्टेबल है, सिंस 1910 से, तो काफ़ी अच्छा एक ये IPO साबित हो सकता है। आप चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी जी हाँ दोस्तों, पार्क होटल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इसमें ही इंक्लूड रहती हैं। सुरेंद्रम एक ग्रुप ही है, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में वर्क करती है। अगर मैं बताऊँ फाइनेंस सेक्टर में वर्क करती है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं और काफ़ी अच्छा शिपिंग में भी वर्क करती है। देन अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी का व्यू सारा अच्छा है, बैकग्राउंड आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से हमको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बैलेंस गुड रहेगा हमारे लिए। अगर हम नेक्स्ट IPO की बात करें तो वो नेक्स्ट IPO है एमटॉर। अगर आप देख पाएंगे ये 700 करोड़ के आसपास का IPO लेकर आ रही है, 650-700 करोड़ का IPO लेकर आ रही है। मार्केट में अगर मैं बात करूं, एमटॉर कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप सभी को भी मालूम होगा, तो इसके लिए काफ़ी डिटेल से मुझे बताना ज़रूरी नहीं, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। एक मेन बात अगर मैं आपको बता दूं कि इसी हफ्ते में ये कंपनी IPO लेकर आ रही है, तो थोड़ा सा आप इसका डिटेल से एनालाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक इसका डिटेल से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट IPO की अगर मैं बात करूं तो अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, तो ये भी केमिकल सेक्टर से संबंधित एक कंपनी है जो 700 करोड़ के आसपास जुटाने का पूरा प्रयास करेगी, और ये मार्च महीने में ही आने वाला है इसका IPO। तो आप भी इसके बारे में थोड़ा एनालाइज़ करके चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है, कब से स्टेब्लिश है, कैसा वर्क है, सारी चीज़ें आप डिटेल से देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये बता दिया केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि आप रसायन से समझ ही गए होंगे कि ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी टाइम से वर्क कर रही है, तो डेफिनेटली ये अपने कंपनी अपना लिस्टिंग में 700 करोड़ के आसपास जुटाने का प्रयास कहीं ना कहीं कर पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर मैं बात करूं तो इस महीने में 15 IPO की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट आईपीओ की मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर इजी माई ट्रिप, कई लोगों ने सुना होगा, ऑनलाइन ट्रिप रहती है इसमें। इसमें अगर मैं बात कर लूँ कि एयरप्लेन से लेकर बस तक का कोई भी ऑनलाइन टिकट अगर हमको करना हो तो बहुत ही इजी माई ट्रिप लिखा हुआ है, तो आप इसे समझ गए होंगे। तो ये कंपनी भी 510 करोड़ के आसपास जुटाने का प्रयास करेगी इसी महीने में, ये IPO भी आने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और इजी माई ट्रिप ही ऑनलाइन वर्क करती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया IPO इससे ये जुटा सकती है कंपनी। तो इस पर हमारा फोकस डेफिनेटली रहना चाहिए दोस्त। देख पा रहे होंगे नेक्स्ट IPO नज़ारा करके IPO है, तो काफ़ी बढ़िया ये IPO कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड IPO है। अगर मैं इसका आपको बताऊं कि कंपनी समथिंग 2500 करोड़ के आसपास जुटाने का इससे प्रयास करेगी, तो काफ़ी अच्छा एक वर्क इससे होना चाहिए। डेफिनेटली इस पे आपका फोकस होना ज़रूरी है और सारी डिटेल एनालाइज आप न्यूज़ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड नज़ारा को सर्च करके आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट IPO की बात करूँ तो बहुत ही खास ये IPO है, मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल से बताना ज़रूरी हो, क्योंकि आधार से आप समझ गए होंगे, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, घर बनेगा तो देश बनेगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसने जो टैगलाइन दी है इससे ही हमारा काम हो ही जाएगा। तो मैं बात करूँ तो ये कंपनी
सबसे बड़ा IPO लेकर आ रही है मार्केट में इसी महीने में। अगर मैं बात करूं इसकी तो 7300 करोड़ के आसपास ये मार्केट से जुटाने का प्रयास करेगी और डेफिनेटली जुटा भी सकती है। कहीं ना कहीं आधार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है तो यहाँ पे इसका वर्चस्व ज़रूर बनेगा। तो आप इस पे अपना फोकस ज़रूर बनाएं, आप सभी के लिए बोल रही हूँ मैं, बिकॉज इसके साइज़ से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का IPO इतना ज़्यादा सॉलिड रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक वर्क हम कह सकते हैं हमको मिलेगा। तो डेफिनेटली इस पे हमारा फोकस होना ही चाहिए दोस्त। नेक्स्ट IPO की अगर मैं बात करूं तो क्राफ्ट्समैन IPO आप देख पा रहे होंगे, ऑटोमेशन से संबंधित ये IPO है और समथिंग 800 करोड़ जुटाने का प्रयास करेगी कंपनी। और कंपनी काफ़ी टाइम से मार्केट में है, डेफिनेटली 1986 से, तो आपको इसका डाटा जुटाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। डेफिनेटली कंपनी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, तो एक बार आप इसकी डिटेल से सारी चीज़ें देख पाएंगे और आपको अंदाज़ा भी हो पाएगा कि कंपनी का वर्क कैसा है। डेफिनेटली IPO मार्च में ही आने को उम्मीद है सभी को, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट IPO की बात करें तो वो नेक्स्ट अगर IPO की बात करूं तो लोधा काफ़ी ज़्यादा फेमस ग्रुप है और आपने सुना भी होगा, डेवलपर्स ये ग्रुप है और कहना चाहिए एक 2500 करोड़ के आसपास, काफ़ी ज़्यादा इसका कहना चाहिए काफ़ी बड़ा IPO है, तो काफ़ी अच्छा एक फंड इसमें जुट सकता है कंपनी से रिलेटेड। और कंपनी काफ़ी फेमस है, अगर मैं बात करूं गोदरेज की, बाकी सारे सेक्टर्स की, तो इससे रिलेटेड लोधा एक ग्रुप जो ऐसा है काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हमको एक नज़र रखने वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो इस पर भी हमारा एक फोकस रहना ज़रूरी है। ओके जी हाँ, नेक्स्ट मेरा IPL जो है IPO आने वाला है मार्च में, 800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप होने वाला है, या कहें कि 800 करोड़ जुटाने की कंपनी की उम्मीद रहेगी ये IPO से। डेफिनेटली ग्लोबली इसके ऑपरेशंस भी अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे हमारा फोकस रहना चाहिए। 800 करोड़ के आसपास का IPO इसमें आने को मिलेगा, हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर नेक्स्ट IPO के लिए हम बात करें तो वो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट मेरा IPO रहने वाला है, वो आप स्क्रीन पे खुद ही देख पा रहे होंगे, एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक लेकर आ गई हूँ, ESAF। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये भी मार्केट में काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस करने वाला है और इस पे हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी। 1000 करोड़ का IPO यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया IPO रहेगा और इसमें हम एक नज़र रख सकते हैं, फोकस रख सकते हैं। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया हो। सारे वीडियोस एक बार आप खुद भी डिटेल से सर्च करके देख सकते हैं, डेफिनेटली हमारा फोकस इन पे ही रहेगा। और वीडियो आपसे कहना चाहूँगी वीडियो ख़त्म करने के पहले कि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ ही हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच आप सभी को।